जय माता दी गाइस। तो हाय गाइस, दिस इज कॉन्स्टेंट दो सचिन एंड माय नेम इज केशव। सो जैसा कि आप जानते हैं, ये शुक्ल पक्ष के नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये नवरात्रे बहुत स्पेशल हैं, स्पेशली अमृतसर में बड़ा हनुमान मंदिर के लिए, क्योंकि इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे लंगूरों की प्रथा चली आ रही है, लंगूर बनाया जाता है बच्चों को। जी, तो ये लंगूरों की प्रथा की हिस्ट्री क्या है और ये यहाँ पे ही इंडिया में क्यों मनाया जाता है और इस मंदिर के क्या के बारे में आपको सारा कुछ बताया जाएगा। चलो आओ, हम आपको सैर कराते हैं। जी, तो ये है मेन एंट्री मंदिर की। तो पहले बाहर की ओर होता था, अब ये न्यू बनाया गया, मेन एंट्री हम यहाँ से करेंगे। ये देखे लंगूरों बच्चे आ रहे हैं लंगूर बन के। तो दोस्तों, ये आप पीछे जो टॉप लेवल देख रहे हैं मंदिर का, ये दुर्गाना मंदिर है और इसको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बोलते हैं। अगर इस मंदिर के हिस्ट्री में बारे में बात करें तो ये मंदिर का जो निर्माण है वो श्री हर राय हरसाई मलकपुर मलकपुर जी ने किया था और इसकी जो आधारशिला है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ये जो हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे इन पंडित जी से पूछा और इंटरनेट पे भी देखा है। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन कहीं पे आपको मिलेगी नहीं, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। तो चलिए आगे आगे दिखाते हैं। ओके जी। तो मेन एंट्रेंस जो है वो वहाँ पर है, वहाँ पर है। उससे पहले जाने से पहले हम यहाँ पे दर्शन करेंगे, दर्शन माता ज्वाला जी के। देखिए अभी नारायण जी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये भी और बहुत खूबसूरत है, स्वर्ण मंदिर है ये भी। देखिए खूबसूरती, देखिए इस मंदिर की, वाह वाह वाह। सरोवर के बीचों बीच में बना हुआ ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। चलिए आगे, यहाँ पे कृष्ण जी के चाकू कदम भी दिखाएंगे हम। तो ये है कृष्ण जी का पश्चिम, हमने अंदर पंडित जी से पूछा है, कंफर्म किया है, ये दोनों जो है पैरों के निशान ये कृष्ण जी के ही है। ये देखिए, तो आप भी दर्शन करिए। जय हो प्रभु। Oh
तो ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे दरवाजे पर विष्णु जी के अवतारों की प्रतिमा है। ऐसे ही हर तरफ जो दरवाजे लगे हैं तो देखिए टूरिस्ट भी यहाँ पे अपनी फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं और अपनी इस सफर को यादगार बना रहे हैं। कहाँ से आया? पठानकोट से आए हैं। ठीक 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 है, अच्छे दर्शन हो गए। अभी साइकिल से आए हैं जी। साइकिल से आए हैं। अच्छा अच्छा, आपकी टीम आई है? मेरी टीम है 10-12 बंदों की टीम है। आप मतलब पठानकोट साइकिल ग्रुप का हमारा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अच्छा अच्छा, कितने घंटे का? लाके आ गए हम सुबह से 5:30 बजे। चलो बढ़िया है आपका। ये हमारे मेन है, रिपोर्ट है। अच्छा जी, डॉक्टर रसवान है, डॉक्टर सुदेश है, डॉक्टर देश है, मैनी क्रैशर वाले हैं, मेरे साथ दिनेश है, मेरा पठानकोट से वहाँ से हम इन्जॉय करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हॉकी के नेशनल से? ठीक है, कौन से ईयर में थे? मेरा 85 तक है। ओके, आप 85 तक में किया? ठीक है, ओके ठीक है। टूर भी लगाया जिसने, अपना काम करते हैं। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल अच्छा लगा। हाँ जरूर आएंगे, कभी भी आना पठानकोट। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश। दिनेश ये मेरा कार्ड तो आपकी वीडियो बनाने कोई चक्कर को नो पहुंचा दे नो ब्रो नो नो कोई नो थैंक यू ऑब्जेक्शन बढ़िया बढ़िया एक ग्रुप फोटो हाथ नहीं होता एक ग्रुप वीडियो ग्रुप फोटो ओके यार एक फोटो एक हमारी फोटो कोई कोई बात नहीं बस एक फोटो सर थैंक यू। अभी आपको सभी को मिलाऊं उनके साथ? जी 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 जी, मिलाएं उनको। ये देखिए यहाँ पे प्रतिमा बनी है। ये तब का सीन है जब आई थिंक केवट वाला सीन है, ये जब नाव पार जाना था आगे श्री राम जब लक्ष्मण और माता सीता जी। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सीन, श्री कृष्ण जी और सुदामा जी मिलने आए हैं उनको और उनके अपने आंखों से पैर धोते हुए श्री कृष्ण जी। तो बिल्कुल आपको आपको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आके लगेगा कि आप उसी ज़माने में चले गए हो, उसी वही सीन आपको एकदम सामने आंखों के दिखाई देता है। तो ये है खूबसूरत सरोवर। चलो आइए हम परिक्रमा शुरू करें। मंदिर में एक सरोवर के आसपास पूरी परिक्रमा और परिक्रमा बने हुए हैं। आपको परिक्रमा के साथ ही में कुछ ऐतिहासिक मंदिर भी हैं और ऐतिहासिक और अच्छे अच्छे श्लोक भी लिखे हुए हैं। और ये सबसे पहला देखिए अच्छी लाइन लिखी है, हमें तो गिरे हुए को उठाना है, कहीं गिर गया ये नहीं पूछना है। परिक्रमा के आसपास बहुत सी पुरानी पुरानी समय जो भगवान जी ने लीलाएं रचाई थी उसकी काफ़ी सारी झलकियां बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, जिससे कि
लोगों को पता चले कि क्या क्या लीलाएं हुई हैं। यहाँ पर आकर सबकी मनोकामनाएं पूरी जाती है, मेरे तो सीरियसली हुई है, तो आप भी जरूर आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए जी। और नवरात्रों के समय पे तो देखिए आप यहाँ हर समय रौनक मेला लगा ही हुआ है। एक और खूबसूरत सबसे पहले ये देखिए उनको तराजू में तोला जा रहा है, लीला रचा रहे हैं, उनको तराजू में तोला जा रहा है। तो आगे दिखाते हैं क्या है, हनुमान जी का मंदिर प्रतिमा उनकी बहुत ही विराट रूप उन्होंने धारण किया हुआ है, जिस पे उन्होंने रामायण काल में जो हिमालय में पर्वत को उठाया था संजीवनी बूटी के लिए, तो उसी को प्रतीत करती हुई ये श्री कृष्ण जी ने दिखाया था अर्जुन को जब युद्ध में गीता ज्ञान के समय पे जो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, तो ये उसी को दिखाते हुए ये तस्वीर है। तो आप दर्शन करिए, ये है श्री कृष्ण, ये है अर्जुन, ये जो पूरी तस्वीर है, ये पूरी की पूरी तस्वीर राम के नाम से भी अगर आप इसको जूम करके देख पाए तो इसके हर एक अक्षर में राम नाम लिखा हुआ है, हनुमान जी के अंदर भी राम राम करेगा राम राम। तो भी थोड़ा समय ज़्यादा होने की वजह से मंदिर बंद है, तो आपको बाकी के दर्शन करवाते हैं। और ये जो चबूतरा है इसका महत्व ये है कि इसके अंदर 60 करोड़ बार श्री राम जी का नाम स्थापित है, 60 करोड़ बार राम जी का नाम लिखा हुआ है, जय श्री राम। तो दोस्तों, लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं श्री बड़ा हनुमान मंदिर के लिए।
तो बड़े हनुमान जी के मंदिर का इतिहास ये है। एक्चुअली इतिहास तो इनका रामायण काल से जुड़ा हुआ है कि जब श्री राम जी ने अपना अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था तो उनके जो बालक थे लव और कुश, उन्होंने यहाँ पे उनका अश्व अपने कब्जे में कर लिया था और उसी को छुड़ाने के लिए श्री हनुमान जी, लक्ष्मण जी और भी बहुत सारे सेना उनकी आई थी, भीषण सभी आए थे, सबको हराया श्री लवकुश जी ने, हरा दिया। हाँ जी, सभी को हरा दिया। हनुमान जी आए थे, हनुमान जी का सीन ऐसा था कि हनुमान जी ने पहचान लिया था कि ये लवकुश जो है श्री राम जी के ही पुत्र हैं, तो हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया, हनुमान जी को उन्होंने लवकुश ने बांध लिया था, वट वृक्ष है यहाँ पे, तो वही प्राचीन मंदिर है यहाँ पे जी। उन्होंने मतलब उन्होंने इसलिए भी हमला नहीं किया क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त थे, तो इसलिए उन्होंने खुद स्वयं ही वंदना स्वीकार कर लिया उनसे। और जहाँ पर ये वट वृक्ष है यहीं पे आपको हम दर्शन करवाएंगे अंदर, तो उसी पे उन्होंने उनको बांध लिया था। और तभी से ये प्रथा चलती आ रही है कि जब भी मतलब किसी अपने परिवार में बच्चे की लड़के की मनोकामना पूरी करने के लिए लोग यहाँ पे अपना धागा बांधते हैं और मांगते हैं, और इसीलिए यहाँ पे बाद में बच्चों को लंगूर बनाया जाता है, इसलिए इसको लंगूरों वाला मंदिर भी बोला जाता है। इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे लंगूर बनाए जाते हैं जी, पूरे भारत में कोई और मंदिर नहीं मिलेगा, लंगूरों वाला मंदिर पूरे भारत में, मतलब यही एक मंदिर है जहाँ पे बच्चे की मन्नत मांगने की जब पूरी हो जाती है तो हनुमान जी उनको अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं, उनको लंगूर बना लेते हैं। तो मतलब 9 दिन को पूरा उनको रूल एक पालना करनी पड़ती है, तपस्या सी करनी पड़ती है, तो उनको नंगे पैर रहना पड़ता है, लाल वस्त्र डालना पड़ता है और हनुमान जी के जो बुर्ज होता है वो उनको धारण करना पड़ता है, मुकुट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं है। और उनको मतलब शक्ति और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कई लोग वैसे भी लंगूर उनकी सेना में भर्ती हो जाते हैं, मतलब लंगूर बन जाते हैं। तो हमें तो लंगूरों को पूछना चाहिए, चलो आइए हम आगे टोली बना के यहाँ पे फिर शाम को हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं और साथ में मेला वगैरह भी मतलब एंजॉय करते हैं सभी, पूरी आरती वारती पूरे जोश में। ठीक है जी, तो आप हम दर्शन करवाते हैं आपको, आप चल के एंजॉय करिए और साथ में लंगूर भी दिखाएंगे हम आपको। चलो
था कि श्री राम जी के पुत्र हैं, उन्होंने युद्ध किया ही नहीं है, वो उनको बांध दिया था दरिया ही आगे दर्शन कर। जय श्री राम। स्पेशल है कि यहाँ पे जो भी हमें खाने को मिलेगा वो सारा देसी घी का होगा, तो मैं एक भूखे इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। उसने शुरू भी कर लिया है, शर्म तो बिल्कुल ही नहीं है लोगों में। तो चलिए भाई साहब हम खाते हैं, आगे का वीडियो आपको बाद में दिखाएंगे। तो गाइस अभी जाने का टाइम हो गया है, बैग पैक हो गए हैं हमारे, तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, खास आपके लिए चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए जी। और तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें।
और नए सफर के लिए जाने के लिए तैयार रहे। तो जल्द ही हमारी एक और नई वीडियो आने वाली है, हम उस सफर के हम सफर बनिए और जल्द ही आप हम अगली वीडियो में मिलते हैं। शब्बा खैर, जय हिंद, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।